सोयाबीन बाजारों से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। विदेशों से भारी मात्रा में सोया तेल का आयात जारी रहने से सोयाबीन के घरेलू बाजार मूल्य में हाल ही के दिनों में आ रही गिरावट थमती दिखाई दी। अधिकांश मंडियों में अच्छी आवक और कमजोर मांग के कारण सोयाबीन का दाम घटकर जो एमएसपी से नीचे आ गया था, उसमें 16 से 22 फरवरी वाले सप्ताह के दौरान प्लांटों की थोड़ी बहुत खरीदारी होने से तीनों प्रमुख उत्पादक राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में सोयाबीन के प्लांट डिलीवरी मूल्य में सुधार देखने को मिला। राजस्थान में सोयाबीन में 50 रुपए की तेजी देखने को मिली, जबकि मध्य प्रदेश में 40 से 50 रुपए प्रति क्विंटल तो महाराष्ट्र में 25 से 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ बाजार दिखाई दिया। सोयाबीन की कीमतों में तेजी आने से सोया रिफाइंड तेल के दाम में भी कुछ सुधार दर्ज किया गया। कुछ इकाइयों में सोयाबीन के भाव में 100 से 130 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी दर्ज की गई। मंदसौर की मंडियों में भाव 15 रुपए बढ़कर 905 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंचा तो पीथमपुर के प्लांटों में इसका दाम 10 रुपए बढ़ा तो वहीं महाराष्ट्र में 10 से 20 रुपए की तेजी के साथ कारोबार हुआ, जबकि नागपुर और नांदेड़ में भाव 20 रुपए बढ़ गया और इसी के साथ कोटा, मुंबई और कांडला में भाव स्थिर रहा व हल्दिया में 7 रुपए बाजारों में गिरावट देखने को मिली। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की कुक्षी मंडी में देखने को मिला, जहां अधिकतम भाव 4700 रुपए प्रति क्विंटल रहा तो वहीं मंडी में कुल आवक 212000 टन की देखने को मिली। राजस्थान की मंडियों में नीचे में भाव बूंदी मंडी में 3800 रुपए देखने को मिला तो ऊपर में 4500 रुपए प्रति क्विंटल 12 मंडी में देखने को मिला। प्रमुख उत्पादक राज्यों की महत्वपूर्ण मंडियों में सोयाबीन की दैनिक आवक 16 फरवरी को 270000 बोरी तो 20 फरवरी को 280000 बोरी तो 22 फरवरी को 280000 बोरी दर्ज की गई। राजस्थान की मंडियों में सबसे कम भाव बूंदी मंडी में 3800 रुपए तो ऊपर में 4500 रुपए प्रति क्विंटल भाव 12 मंडी में देखने को मिला। महाराष्ट्र की मंडियों में सबसे कम भाव धूले मंडी में दर्ज किया गया 3995 रुपए प्रति क्विंटल तो वहीं ऊपर में 4650 रुपए प्रति क्विंटल डंकी उमेरखंड मंडी में देखने को मिला। गुजरात की मंडियों में भी सबसे कम भाव में 3500 रुपए तो ऊपर में 4625 रुपए प्रति क्विंटल भाव देखने को मिले। सोया डीओसी के दाम में मिला जुला रुझान देखने को मिला, कुछ इकाइयों में भाव 100 से 200 रुपए नरम रहा तो जबकि कुछ प्लांटों में 500 से 600 रुपए तक बढ़ गया। सोया मील का निर्यात प्रदर्शन बेहतर चलने से इसकी घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सोयाबीन का भाव फिलहाल समर्थन मूल्य से नीचे रहने से उत्पादकों की चिंताएं बढ़ गई हैं।